से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि देर आर सम फ्यू बॉयज को बहुत सारी क्वेरी होती है इन चीजों को लेकर, कि कई लोगों ने सुना होगा कि जो है कई बार सीमेन जो है वो रात के समय सूती के दौरान निकल जाता है, तो उसके पीछे कारण मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जो है वो बनते रहते हैं, लगातार स्टोर होते रहते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार इसका संबंध इस चीज से होता है कि इफ यू आर वॉचिंग सम पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन मोबाइल फोन एंड सम मैगजीन के, दिस काइंड ऑफ कंटेंट जो है दैट इज नॉट गुड फॉर मेंटल हेल्थ के, तो वैसे कंटेंट को देखने पर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो एक्साइटेड होता है एंड सीमेन का जो फ्लो है वो बनना शुरू होता है, लेकिन बट समहाउ इफ देर इज नो इजेक्युलेशन तो वो डक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। जब वो व्यक्ति सोता है तो वो जो चीजें उसने देखी है उसके उसके जो है वो समझ लीजिए कि उसके ड्रीम्स के दौरान चल रही होती है, तो वहां पर कई बार जो है उसको सेल्फ इजेक्युलेशन आता है और सीमेन बाहर निकलता है सोते के दौरान, दैट इज उसको जो है कॉमन लैंग्वेज लोग नाइट फॉल कहते हैं। एब्सोल्युटली नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देर इज ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट वी कैन नॉट डिनाई कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो उसको हम किसी चीज से बांध दें, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। मेल फीमेल अट्रैक्शन की बात करें हम के और हम जो है वो इन चीजों की बात करें, ये सब क्या है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का हिस्सा। लेकिन बात वही है कि वॉट एवर, जब एक हेल्दी सोसाइटी क्या होती है, मेंटल हेल्थ भी बेहतर उठ के, तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस काइंड ऑफ कंटेंट वो अच्छे नहीं होते हैं, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, के दिस कंटेंट आर नॉट गुड एट ऑल। तो कभी मैंने आपसे कहा ना कि ये चैप्टर बड़ा जो है वो आपके लिए, जो गवर्नमेंट ने चैप्टर को रखा है इसलिए ताकि यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स।